कुलपति की अध्यक्षता में अतिथि शिक्षकों की सेवा नवीकरण को लेकर हुई चयन समिति की बैठक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अतिथि शिक्षकों की सेवा नवीकरण को लेकर चयन समिति की बैठक विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, विशेषज्ञ एवं उपकुल सचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा उपस्थित थे। कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए कहा कि अतिथि शिक्षकों में ऐसे शिक्षक जो गत वित्तीय वर्षों में सराहनीय शोध कार्य किया है और अधिक से अधिक वर्ग लेकर छात्रों को लाभ पहुंचाया है, वैसे शिक्षकों की हौसला अफजाई की जाएगी। उन्होंने विशेषज्ञों से उनका शोध कार्य के संबंध में अपना मानवता देने की बात कही, ताकि भविष्य में उन शिक्षकों की शैक्षणिक दृष्टि से अच्छे महाविद्यालय में पदस्थापित किया जा सके। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन कुल 356 21 विषयों के अतिथि शिक्षकों का पुनः 11 महीना के लिए नवीकरण हेतु राज्य सरकार के आदेशानुसार और निर्देश में माननीय कुलपति प्रोफेसर एस पी सिंह की अध्यक्षता में आज यहां बैठक हुई। चूंकि राज्य सरकार का जो संकल्प है उसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक 11 महीने के बाद उनके लिए चयन समिति गठित की जाएगी, आयोजित की जाएगी और उसमें उनका नवीकरण होगा। अतः आज 21 विषयों के सभी विभाग अध्यक्ष, सभी संख्या अध्यक्ष और बाह्य विषय विशेषज्ञ के द्वारा सभी पीजी विभाग में और कॉलेजों में जो अतिथि से कार्य कर रहे थे वहां से जो उनकी अनुशंसा हुई थी उनकी जांच की गई, अब उसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई से नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है, ऐसे में हम फिर पुनः 11 महीने के लिए सभी अतिथि शिक्षकों का नवीकरण करने जा रहे हैं और नए जो अतिथि शिक्षक की बहाली हुई है उसका भी प्रारूप तैयार कर लिया गया है, उन्हें भी इस प्रथम सप्ताह में नियुक्ति कर दी जाएगी। इन शिक्षकों के जाने के बाद कोई कहीं भी किसी कॉलेज में शिक्षकों की संख्या जो होगी वो किसी भी विषय में शून्य नहीं रहेगी, इससे पठन पाठन पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, माहौल साजगार होगा। माननीय कुलपति महोदय की यही इच्छा है कि अतिथि शिक्षक अपने कार्यों में न सिर्फ तत्परता दिखाएं बल्कि शैक्षणिक गतिविधियां भी तेज रखें, लेखन कार्य में भी रहें, उनकी पुस्तकें आए, शोध कार्य हो, ताकि उससे उनके आने वाला भविष्य जो उनका होगा वो भी उज्जवल होगा और विश्वविद्यालय को भी उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर।